पुलिस की अपनी नौकरी कर रिटायर्ड होकर आए हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी इनको क्या मिला, किस तरह मिला, आज भी सड़कों पर है। जब भी डीजी साहिबान से मिलने की कोशिश करते हैं वो टाल मटोल कर कहीं ना कहीं इनको बाहर का रास्ता दे देते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर मुझे अपना नाम बता दें। हाँ सर, मेरा नाम अजीत सिंह है, डॉन कस्टर्ड पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम का चेयरमैन हूँ। सर मुझे एक चीज़ बताइए, कल होम मिनिस्टर साहब जम्मू आए थे। जी जी। तो देखिए, होम मिनिस्टर पूरे देश के हैं, लेकिन आपको क्या देखेगी वो, क्या कुछ मिला? क्योंकि आपको लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट कही गई थी, क्या वन टाइम सेटलमेंट हुई आपकी? सर आश्वासन तो मिलते ही रहते हैं, सेटलमेंट होनी तो दूर की बात है, तो मिलने को टाइम भी नहीं उन्होंने दिया। अब डिब काम ने हमारी एप्लीकेशन सबमिट की और उसके बाद उन्होंने वेरिफिकेशन सीआईडी वगैरह दूसरा तीसरा सब से करा लिया है भाई आप क्या करते हैं, आपका क्रिमिनल के। अब देखने वाली बात यह है कि अब हम लोग जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने डिसिप्लिन में रह के नौकरी की है और इतनी हार्ड और फास्ट नौकरी करने के बावजूद आज ये लोग हमें कंसिडर ही नहीं कर रहे, हमें टाइम अपॉइंटमेंट देने से भी ये कासर हैं। तो बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, क्या हम इस काबिल भी नहीं है? ये लोग सिर्फ हमारी महज हमारी बदौलत ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर ये इनके साथ पुलिस की प्रोटेक्शन ना हो तो ये घर से बाहर निकल के बताएं। सर कल होम मिनिस्टर जम्मू से 27 गाड़ी उनके साथ थी, वो जो लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, कल को उन्होंने भी रिटायर्ड होना है, क्या उनके साथ भी ऐसा ही होगा जिस तरह आपके साथ है? देखो आपने तो पहले ही प्रोटेक्शन दी है ना, बहुत बड़े बड़े मंत्री आए, अब उनको उनकी सिक्योरिटी में थे, लेकिन जब उनको उनका वेतन मिलता है यानी कि 1.5 से 2 लाख वो पेंशन ले रहे हैं, तो जो महंगाई बताया वो अलग मिलता है, 15-15 हज़ार मोबाइल का खर्चा मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है इसमें? हमें क्या मिल रहा है सर, हमें तो फाका कशी और तरसैमे और सह के ही मिल रहे हैं। हम हर चीज के लिए अब आ रहे हैं, आज महंग भाई का दौर है, यू नो वेरी वेल के आसमान को सिलेंडर कहाँ पहुंचे है, आसमान को शूर है, बाकी सरसों का तेल वो कहाँ चले गया, बाकी जितनी भी चीजें हैं ये आसमान छू रही है। मेडिकल फैसिलिटी में आपको क्या मिल रहा है? देखिए दवाइयों का जो रेट है वो आपको पता है, एक खुजली वाली और पेट दर्द वाली दवाई ही सस्ती है, बाकी सारी दवाइयां महंगी है, क्योंकि केंद्र सरकार देश का सशक्तिकरण कर रही है। क्या आप लोगों को कोई महंगाई पता, दवाई का कोई खर्चा मिलता है? सर ये भी बड़े दुख की बात से दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पूरे हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को 1,000 रुपया उनको मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि हमें 300 रुपया हमारे साथ बहुत बद्दा मजाक किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भी जो है मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपया होना चाहिए। अब डॉक्टरों के पास जाएंगे तो 700-800 रुपया उन्होंने फीस रखी, 700 रुपया तो फीस है। अब ये जो ऊपर हमारे गवर्नर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि गरीब लोग 800 रुपया कहाँ से देंगे। इन लोगों को सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए और कुर्सी के ऊपर ही ये इनकी निगाहें हैं, बाकी गरीब जाए बाढ़ में। सर एक चीज मिलती जुलती आपके डिपार्टमेंट से पूछूंगा, कल एक जो डीजी उनकी कहीं ना कहीं डेथ होगी और उनके ही नौकर ने उनको मार दिया, लेकिन होम मिनिस्टर साहब के मुंह से एक बात तक नहीं निकली कि देखिए प्रेजेंट डीजी थे, जेलर थे वो, लेकिन देखिए वो आप लोग तो रिटायर है, लेकिन जो थे उनके लिए भी कुछ बोल के नहीं गए वो। देखिए सर ये जो पॉलिटिशियन है चेयर पे जब कोई पावर में होता है वो कुर्सी के नशे में होता है, तो उसको छोटे मोटे ये डीजी वगैरह जो उनको नजर ही नहीं आते, और दिस इज लॉट ऑफ इनजस्टिस। ये हमारे पुलिस के सर पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा है और एक बदनामा दाग लगा है कि एक हमारा डीजी उसकी हम प्रोटेक्शन नहीं कर पाए और उसकी जो अनहोनी जो उसके साथ ये घटना घटी है, और उस पर होम मिनिस्टर साहब ने ये एक अल्फाज तक नहीं कहा, ये बड़े दुख के साथ ट्वीट तक भी नहीं किया। और खास करके ये इससे हमें ये मैसेज आता है, जितनी भी फोर्सेस हैं इनको ये सबक सीखना चाहिए कि पॉलिटिशियन किसी के सके नहीं है, इनको सिर्फ अपनी पावर चाहिए और अपना कुर्सी चाहिए, बाकी जो जितने अगर 100 आदमी रोज का मर जाए, 500-1,000 मर जाए, इनके कान पर टस से मस नहीं होगी, जू नहीं रहेगी। और जोरी इलाके में कहीं ना कहीं लोगों को सुहाने सपने दिखाकर होम मिनिस्टर साहब चले गए, लेकिन जम्मू के लोग जो वोट इनको डालते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने वोट डाला होगा, लेकिन आज आप महरूम हैं, आने वाले वक्त में देखिए आप लोग तो रिटायर है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना तो नौकरी है ना महंगाई बता होगा, किस तरह से चलेगा इस
सर ये तो वो एक बुले शाह ने कहना है, चार दिहाड़े कट लै राह अंदर भाने, भुख गरीबी दी ना करी शिकायत, कि भूख और गरीबी की शिकायत की इनके आगे नहीं करनी है, ये ऊपर उस खुदा के आगे उसके मतलब हिसाब पे चलना है, यानी कि महंगाई की बात नहीं महंगाई करेंगे। की बात नहीं करनी है, जो इनकी लॉजिक है। तो ये जो वो एक बात है कि नारे गरीबों दे ते नजारे अमीरां दे, ये जो हम लोगों को बेवकूफ गुमराह किया जाता है, हर जगह लालीपॉप दिया जाता है। आपने देखे हैं इससे पहले कितने वादे किए, जितनी भी पार्टियां आई हैं वो सब ने लोगों को बेवकूफ गुमराह किया। जब ये पावर में आ जाते हैं उस वक्त लारे वादे और इनके मैनिफेस्टो कूड़ेदान में चले जाते हैं, उस वक्त इनको नहीं, लेकिन हमारी पब्लिक जो है अनअवेयर है ड्यू टू शॉर्ट ऑफ इलिटरेसी है, इनको ये होश होना चाहिए। अगर सांप ने काटा है तो रस्सी से डरता आदमी, एक दफा सांप काट गया वो दूसरी नेक्स्ट टाइम वो रस्सी से डरेगा। अब इन लोगों के बहकावे में और नारेबाजों में नहीं आना चाहिए। लेकिन सर, डीजी जम्मू कश्मीर से आपने बात करने की कोशिश की, क्योंकि आपका डेलीगेशन कुछ मिले मिला उनसे जाके? हाँ, सो मेनी टाइम आई मेट द डीजी, लेकिन डीजी साहब भी बोलता है यार गवर्नमेंट की चमड़ी बड़ी मोटी है, तो ये कुछ नहीं करते, मेरे पास में कुछ नहीं है, वो साफ उन्होंने बोल दिया उस स्टेट पे इनकी आदमी। इनकी एक्सटेंशन के लिए गवर्नमेंट के पास है, इनकी सैलरी के लिए गवर्नमेंट के पास है, लेकिन आप लोग जो रिटायर्ड, आपके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं। हमारे लिए देखो सर, दुनिया में खास करके हिंदुस्तानी जो सरमायादार निजाम है, इसमें दो ही तबके, एक अमीर का है वो गरीब का। अमीर के लिए रात के 10 बजे 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जा सकता है, और जो गरीब आदमी है, गरीब के लिए मुंसिफ कोर्ट जो सबसे लोएस्ट अदालत है, जहाँ इंसाफ का मंदिर बोलते हैं, वहां 10 बजे भी उसको चपरासी अंदर नहीं जाने देता। ये जो सिस्टम है ये वेरी भ्रष्ट, इस सिस्टम को जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक एक रेवोल्यूशन आएगा, और ये सिस्टम सुधरेगा तब जाके लोगों को जस्टिफाई और इंसाफ मिलेगा, ऐसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। जी 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 ये देखिए, यहाँ पर ऑल कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, पुलिस पेंशनर जो लोग थे, ये प्रदर्शन करते हुए पहले भी नजर आए, लेकिन होम मिनिस्टर साहब का विजिट जो था ये जम्मू से लगभग खत्म ही है, क्योंकि आज कश्मीर की तरफ 3 दिवसीय दौरा था, लेकिन किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल करके सिर्फ आम पब्लिक को जो है वो लॉलीपॉप देने का वो काम जो है वो कर रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए।